अरे मास्टर जी, बड़ी ही भाग्यशाली है आपकी लड़की, जो हमारे लड़के और फैमिली दोनों को ही पसंद आ गई। न जाने कितनी लड़कियां देखी हैं इसने, पर कोई लड़की पसंद ही नहीं आई आपसे पहले। बड़ी ही समझदार और संस्कारों वाली है हमारी बेटी। हमारा बेटा भी किसी मामले में कम नहीं है, लाखों में एक है हमारा लाल जी। ये तो और भी अच्छी बात है। अजय, मैं तो कहता हूँ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। अरे एक अच्छा सा मुहूर्त निकालिए और निपटा देते हैं शुभ काम को। जी जैसे आप अच्छा समझे, पर शर्मा जी मेरे हिसाब से बच्चों की राय जान ली जाए तो ठीक रहेगा। अजय कैसी बातें कर रहे हो मास्टर जी, आप बच्चों की राशि मिलवाइए और हो जाने दीजिए। नहीं अंकल जी, आप लोगों को एक बार हमारी बात सुन लेनी चाहिए। आपकी बात? कैसी बात? हमारी कुछ मांगे हैं। मांगे? मांगे कैसी? माफ कीजिएगा, शायद आप लोगों को मेरी बात बुरी लगे, पर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को हमें कुछ प्रूफ देने होंगे। प्रूफ? कैसे प्रूफ? हमें आपके बेटे के मेडिकल रिपोर्ट चाहिए और आपके बेटे के एजुकेशन और इनकम के प्रूफ चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन के साथ आपके बेटे का कैरेक्टर सर्टिफिकेट और जिस घर में आप लोग रह रहे हैं उस घर का ओनरशिप प्रूफ चाहिए। ये सभी प्रूफ देने के बाद फिर चाहे राशि मिले ना मिले, हम इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। मास्टर जी ये सब क्या है? माफ कीजिए शर्मा जी, अगर मेरी बेटी ने कोई गलत बात कह दी हो, पर शर्मा जी जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, जमाने के साथ साथ संस्कारों को भी चेंज करना होगा, नहीं तो ये रोज रोज तलाक के किस्से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे वाह, आपकी बातों का मतलब है कि हम झूठे हैं और हमें सच साबित करने के लिए प्रूफ देने होंगे। अरे वाह। सुनो जी, मास्टर जी को भी बात करने का मौका दो। कहिए मास्टर जी, क्या है आपके मन में? शर्मा जी, हम ये नहीं कह रहे कि आप झूठे हैं, पर अगर आप गलत नहीं हैं तो मुझे नहीं लगता कि प्रूफ देने में आपको कोई परेशानी होनी चाहिए। शर्मा जी, मेरी पत्नी के देहांत के बाद मेरी दोनों बेटियां कभी भी मुझसे एक पल के लिए दूर नहीं हुई। आज मेरी लाडली बेटी मेरा जिगर का टुकड़ा जिंदगी भर के लिए किसी दूसरे के साथ कैसे जा सकती है, ये जाने बिना कि वो कौन है, कहां से आया है, क्या मेरी बिटिया को अच्छी तरह रख पाएगा? शर्मा जी, मैं अपनी बेटी का भाग्य तो नहीं बदल सकता, लेकिन उसके अच्छे भाग्य के लिए प्रयास तो कर ही सकता हूं, प्रयास तो कर ही सकता हूं। अंकल, अंकल अब आप ही बताइए, एक सिर्फ न्यूज़पेपर की एड के बेस पे कैसे मेरे पापा किसी के भी हाथ में मेरा हाथ सौंप सकते हैं? कैसे विश्वास कर ले इन न्यूज़पेपर वालों के ऊपर जो पैसे लेकर किसी के बारे में कुछ भी छाप सकते हैं? अंकल, मैं एक लड़की हूं और शायद आप लोगों को मेरा बोलना अजीब लग रहा होगा, पर अंकल आपको पता है आजकल सिर्फ 23% तलाक विचार ना मिलने की वजह से और 77% तलाक झूठ के बुनियाद पर रिश्ते बनने की वजह से हो रहे हैं। हम लोग भेड़ चाल की तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के चक्कर में बेटियों को बसाना भूलते जा रहे हैं।
शादी से पहले हम लोग पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल या फिर किसी ऑफिस में जाकर इंक्वायरी करवाने की बजाय पंडितों से राशि मिलवाना जरूरी समझते हैं। सोशल मीडिया पर अपने दिखावे के चक्कर में हम लोग लाखों रुपए सिर्फ और सिर्फ प्री वेडिंग शूट पर ही खर्च कर देने में लगा देते हैं। हमारे हिसाब से प्री वेडिंग शूट के बजाय अगर प्री वेडिंग इंक्वायरी पर ध्यान दिया जाए तो शायद ये तलाक के किस्से कुछ कम हो सकते हैं। और अंकल, हम ये नहीं कह रहे हैं कि लड़के या लड़के वाले ही गलत होते हैं। ताली दोनों हाथों से बजती है, इसलिए आपके प्रूफ लेने से पहले हम आपको वो सारे प्रूफ देना चाहते हैं जो हम लोगों ने आपसे मांगे हैं। शर्मा जी, एक आखिरी बात आपसे और कहना चाहूंगा कि इस तरह के फैसले कभी दिल से नहीं करने चाहिए, दिमाग से करने चाहिए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए, उसके आगे आपकी मर्जी।